गणतंत्र दिवस पर भारतीय वायुसेना के सलामी दस्ते में पहली बार फ्लाइट लेफ्टिनेंट भावना कंठ शामिल हुई। यह अपने आप में बहुत ही गर्व भरा पल रहा। भावना भारतीय वायुसेना के फाइटर पायलट दल में शामिल की गई तीसरी महिला है। वहीं अगर रिकॉर्ड की बात करें तो गणतंत्र दिवस की परेड में शामिल होने वाली वे पहली महिला फाइटर पायलट हैं। भावना कंठ जब राजपथ पर सलामी देती हुई गुजरी तो हजारों किलोमीटर दूर दरभंगा में बैठे घर वालों की छाती गर्व से चौड़ी हो गई। घर वालों के चेहरे पर खुशी साफ झलक रही थी। इस पल को अपनी आंखों में उतारने के लिए दादी बलेश्वरी कंठ सुबह से ही टीवी से चिपकी हुई थी। भावना को देखते ही दादी भावुक हो गई। बहुत हमको अच्छा लगा, हमको कोई महसूस नहीं हुआ और भाग का बात है जो ऐसा हमारे पोती दिल्ली में जाकर प्रधानमंत्री के साथ सलामी दे रहे हैं, झांकी में मिलल है, बहुत भाग की बात है। इस गर्व के पल को देख रही चाची श्यामा कंठ भी काफी खुश थी। श्यामा कंठ ने कहा, भावना उनके परिवार का नाम रोशन कर रही है। तो वो बहुत अच्छा लगा, खुशी लगा। सुबह से इंतजार था टीवी पे कि देखे कब से, अभी झांकी में देखे तो बहुत अच्छा लगा, खुश हुए हम लोग। ऐसे ही सबका बेटी नाम रोशन करे और आगे बढ़े, बहुत खुश हैं। आपको बता दें कि भावना फाइटर जेट पर कॉम्बैट मिशन के लिए क्वालिफाई करने वाली देश की पहली महिला हैं। भावना ने वर्ष 2017 में एयरफोर्स फाइटर स्क्वाड्रन को ज्वाइन किया था और पहली अकेली उड़ान MiG-21 2018 में भरी थी। भावना इस वक्त वेस्टर्न सेक्टर के फाइटर बेस में तैनात हैं। भावना के हिम्मत और शौर्य को बिहार तक का सलाम। दरभंगा से प्रहलाद कुमार की रिपोर्ट, बिहार तक।